असलम मेरी क्लास उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर फोर है जिसमें हम चैप्टर नंबर वन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करेंगे हमारे आज के टॉपिक्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन और वन पॉइंट एट को हम रीड करेंगे सबसे पहले हमारे पास एक्सक्रिएटरी सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स एंड अदर केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर इज प्रोड्यूस विच मस्ट बी इमीजिएटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी इंक्लूड नाइट्रोजनस मेटीरियल एंड अदर सॉल्ट स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद खाने को डाइजेस्ट किया जाता है और इस डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी में दो जो और केमिकल प्रोसेस हो रही हैं उसमें भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें होती हैं या तो नाइट्रोजीनियस मटीरियल होता है यानी कि ऐसा मटीरियल जिसमें नाइट्रोजन पाई जा रही है या बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉल्ट जो हमारी बॉडी के लिए इस्तेमाल में नहीं है अकोमलेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल इन द बॉडी इज डेंजरस एंड देर फो मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी ये जो वेस्ट मटीरियल बनाए यानी ये जो नाइट्रोजीनियस मटीरियल है और सॉल्ट है इनका हमारी बॉडी में इकट्ठा होना नुकसान दिया और इसे हमारी बॉडी के आ, अंदर से साथ साथ रिमूव होना चाहिए द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी इज कार्ल्ड एक्सक्रीशन और नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है एक्सक्रीशन कहलाता है नाइट्रोजनस मटीरियल एक्स्ट्रा वाटर एंड साल आर रिमूव बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये नाइट्रोजनस मेटीरियल और हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी के जो जो ऑर्गनस इंक्लूड होते हैं हम उन्हें इकट्ठा करके क्या नाम दे देते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम का नाम देते दे हैं दे। यानी वो सिस्टम जो कि एक्सक्रीशन में हिस्सा ले रहा है जो वो पार्ट्स जो एक्सक्रीशन में हिस्सा ले रहे हैं हम उसको क्या कहेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहेंगे सम एक्स्ट्रा साल्ट आर आल्सो रिमूव थ्रू स्किन ड्यूरिंग परसपायरेशन और हमारी स्किन भी जो है वो एक्स्ट्रा uh, सॉल्ट जो है वो बॉडी से रिमूव करती है किसके जरिए पसीने के जरिए पर्सपरेशन पसीना uh, जैसे आप लोगों ने गर्मी में देखा होगा कि हमारी बॉडी पे जब पसीना आता है तो हमारे कपड़ों पे वाइट वाइट मार्क्स आ जाते हैं ये वाइट वाइट मार्क्स दरअसल सॉल्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हमारे ह्यूमन के एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी इंसानों के एक्सक्रिएटरी सिस्टम में किडनीज शामिल हैं यानी दो किडनीज़ इंक्लूड होंगी और उसके साथ दूसरे स्ट्रक्चर्स जो हैं यूरिटर्स, यूराइनरी ब्लैडर और यूरित्रा आइए इनको स्टडी करते हैं कि ये क्या होते हैं किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी हैज़ टू डार्क ब्राउन बीन शेप किडनीज इन द एबडोम रीजन वन ऑन आइर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम द राइट किडनी इज लेटर लोअर देन द लेफ्ट वन द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कन्वेक्स वैल द इनर सरफेस इज कनके फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर अटैच विद किडनी तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो उन्होंने इसका कलर बताया है कि ये डार्क ब्राउन कलर की होती हैं इसके बाद इसकी शेप जो है वो बीन शेप होती है आपने अगर घरों में लोबिया देखा हो तो इसकी शेप बिल्कुल उससे मिलती हुई है ये वर्टिब्रल कॉलम के यानी जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है इस ये दोनों इसकी एक एक साइड पे मौजूद होती हैं और लेफ्ट किडनी जो है वो हमारी थोड़ी सी ऊंची होती है नस्बता राइट किडनी के इसके अलावा ये बताया गया है कि इसका जो आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स होगा और जो इनर सरफेस होगा वो कंकेव होगा

ट्यूब्स नज़र आ रही हैं ये जो निकल रही हैं हमारी किडनी से और कहाँ एंटर हो रही हैं यूराइनरी ब्लैडर में इनको हम नाम देते हैं यूरेटर का इन येलो ट्यूब्स को और इनका काम क्या है कि ये किडनी से जो है वेस्ट मटेरियल यानी जो यूरियन बन रहा है वो लेके यूराइनरी ब्लैडर तक जाती हैं यूराइनरी ब्लैडर क्या है हमारे पास ये एक सैक है थैली है जिसमें हम स्टोरेज करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स की मिसाल के तौर पर यूरियन की और इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ आती है यूरथ्रा ये यूरथ्रा एक ट्यूब है जो इस जो राइनरी ब्लैडर से वेस्ट प्रोडक्ट को लेती है और हमारी बॉडी के आउटसाइड तक एक्सक्रीट करवा देती है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इंटरनली ईच किडनी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन रेनल कॉर्टेक्स रेनल मिड्यूला एंड रेनल पेल्विस हमने किडनी को तीन हिस्सों में तकसीम किया है रेनल कॉर्टेक्स मिड्यूला और पेल्विस में रेनल कॉर्टिक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन रेनल मेड्यूलर इज द मिडर रीजन विच इज डिवाइडेड इंटू क्रॉनिकल मैसेज कॉल रैनल पायरािट्स रेनल पेल्विस इज द एरिया वेयर यूराइन इज ड्रेन द यूराइन फ्रॉम रेनल पेल्विस मूवस इन टू यूरेटर तो स्टूडेंट्स अब होता क्या है ये रैनल कॉर्टेक्स जो है हमारे पास बिल्कुल आउटर सरफेस पे मौजूद है और फिर हमारे पास मिड में आता है रैनल मिड्यूला रैनल मिड्यूला में हमारे पास कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉनिकल मतलब ये जो ट्राई आपको नजर आ रहे हैं इनको हमने नाम दिया है रैनल पायरामिड्स का और इसके बाद हमारे पास रीजन आता है तीसरा जो इनर रीजन है वो है रैनल पेल्विस जहाँ पे यूरन जो है वो ड्रेन होता है कहाँ से ड्रेन होता है वो अब हम आगे पढ़ेंगे ये यूरियन जो है वो रेनल पेल्विस से यूरेटर तक जो है वो मूव कर जाता है और यूरेटर पे जो है वो यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरियन जो है वो यूरोथरा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है अब हमारे पास आता है नेफ्रोन स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों ने यह पढ़ा था कि हमारे पास जो ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है न्यूरॉन्स है बिल्कुल इसी तरीके से नेफ्रॉन जो है वो हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दे आर द टिब्यूल्स वेयर आर यूराइन इज फॉर्म दे आर ओवर वन मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी ईच नेफ्रॉन हैज़ टू पार्ट्स रैनल कॉर्पसल एंड रैनल टिब्यूल हमारी नेफ्रोन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का यानी सारे जो किडनी के काम हैं वो कौन कर रहा है नेफरन कर रहा है दरअसल हकीकत में ये टीब्यूल्स हैं बहुत सारी ट्यूब्स हैं जहाँ पे यूराइन जो है वो बनता है फॉर्म होता है यानी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर ली जाती हैं और वो यूरिन में इंक्लूड कर दी जाती हैं और जो यूजफुल चीज़ें हैं वो हमारी ब्लड में वापस भेज दी जाती हैं हमारी एक किडनी में तकरीबन वन मिलियन नेफ्रोन जो है वो मौजूद हैं नेफ्रोन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पहला है रेनल कॉर्पसल और फिर है रेनल टिब्यूल आइए इस नेफ्रोन के स्ट्रक्चर को सबसे पहले स्टडी करते हैं हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस फिर आता है बोमेंस कैप्स्यूल प्रोक्सिमल टिब्यूल इसके बाद लूप ऑफ फैलने लूप ऑफ फैलने के बाद हमारे पास आएगा डिस्टल टिब्यूल और फिर कोलेक्टिंग डक्ट आइए अब इसको रीड करते हैं कि ये पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं रैनल कॉरपसल रेनल कॉर्पिसल इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नैफर इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर डेट इज ग्लोमेरुलस एंड वोमेंस कैप्स्यूल ये नेफरन का पहला पार्ट है और इसमें दो स्ट्रक्चर जो हैं वो शामिल हैं पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा वोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस इज अ टफ ऑफ ब्लड कैपलरीज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ एंड सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स वोमेन कैप्सूल इज अ कपशेप स्ट्रक्चर इन्क्लूजिंग ग्लोमेरुलस तो स्टूडेंट ये जो ग्लोमेरुलस आपको रेड कलर में नजर आ रहा है ये दरअसल किससे मिलकर बना हुआ है ब्लड कैपिलरीज कैपलरीज और आर्टरीज से और इसका काम क्या है ये एक स्टेनर यानी छन्नी के तौर पे काम करता है और सारे मटेरियल को जो है वो स्टेन आउट करता है फिल्टर करता है और नीचे है बोमन्स कैप्सूल ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने ग्लोमेरुलस को होल्ड किया हुआ है और जो भी मटेरियल फिल्टर होके इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर गिर जाता है ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये हमारे पास इंक्लूड हैं रेनल कार्पेसल में इसके बाद हमारे पास है रेनल टिब्यूल दिस पार्ट ऑफ नेफर स्टार्ट आफ्टर वोमन्स कैप्स्यूल द फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट ऑफ रेनल टिब्यूल इज कार्ड प्रोक्मल टिब्यूल द नेक्स्ट पार्ट इज यू शेप एंड इज कार्ड लूप ऑफ हैल्ले द लास्ट पार्ट ऑफ रेनल टिब्यूल इज अगेन क्वाइल्ड एंड इज कार्ल डिस्टल ट्रिब्यूल द डिस्टल टिब्यूल ऑफ मैनीफर ओपन इन अ कोलेक्टिंग डक्ट मैनी कलेक्टिंग डक ज्वाइन एंड ड्रीन इन टू रेनल पेल्विस वोमेंस कैप्सूल के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो है प्रॉक्जिमल टिब्यूल ये ट्यूब जो हैं वो क्वाइल हुई हुई हैं ठीक है इसके बाद इसके नीचे ही बिल्कुल यू शेप स्ट्रक्चर आता है आप देख सकते हैं ये यू शेप है इसे हमने लूप ऑफ फैलने का नाम दिया और फिर क्वाइल स्ट्रक्चर आता है जिसे हमने डिस्टल टिब्यूल का नाम दिया है ये डिस्टल टिब्यूल जो है वो आगे जाके एक डक्ट से मिलती हैं उसे हमने कोलेक्टिंग डक्ट का नाम दिया है आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी ट्यूब जो हैं वो आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं ये दरअसल इन ट्यूब्स में मुख्तलिफ डिस्टल टिब्यूल जो हैं वो कनेक्ट हुए होते हैं बहुत सारे नेफ्रोन्स के और इसमें जो है वो हमारा सारा मटेरियल इकट्ठे हैं क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट फाइव है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वोलेंट्रंड इन वोलेंट्री एक्शन द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल आर कॉल्ड वोलेंट्री एक्शन दीज आर डन आफ्टर थिंकिंग ई जी स्पीकिंग रनिंग ए टी सी जबकि इन वोलेंट्री एक्शन में हमारे पास इंक्लूड है द बॉडी एक्शंस विच आर नॉट परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल आर कॉल इन वोलेंट्री एक्शन दिज एक्शंस आर डन विदाउट थिंकिंग ओवर दैम ई जी ब्रीथिंग हार्ट बीट ए टी सी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फोर किडनी और लंग्स में डिफरेंस द ऑर्गन विच फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूराइन इज कल्ड किडनी और लंग्स में ऑर्गन विच मेक द ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड लंग्स और इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.5 का लिथोट्रिप्सी और डायलिसिस में डिफरेंस इट इज़ अ मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स ऑफ शॉक पेव्स और डायलिसिस में इट इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लीनिंग द ब्लड एंड इज कैरिड आउट बाय अ मशीन कॉल डायलिजर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर वन के तीनों पार्ट जो हैं वो करवा दिए गए हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1.6, 1.7 और 1.8 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनकी मार्किंग आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दी जाएगी आप लोगों ने उन लॉन्ग क्वेश्चंस को अपनी बुक पर मार्क भी करना है और साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी करना है और साथ ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन